दोस्तों दुनिया में आपको ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ना सिर्फ अपने देश बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए सफलता की चीती जागती मिसाल हैं। आज लोगों को केवल उनकी सफलता और उनका ऊंचा रुतबा दिखता है, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सफलता के पीछे के संघर्ष व मेहनत के बारे में जानकारी रखते हैं। और संघर्ष भी छोटा मोटा नहीं, टॉयलेट में रात गुजारने से लेकर नौकरी के वक्त पूरे पूरे दिन पानी ना पीना ताकि वॉशरूम में समय वेस्ट ना हो वाला संघर्ष। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मल्टी मिलियनेयर क्रिस गार्डनर की, जिनकी जीवन की कहानी सुनकर आप भी प्रेरित हो जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये क्रिस गार्डनर की सच्ची कहानी है दोस्तों, जिसमें क्रिस के बहुत से भयानक संघर्षों के बावजूद वो डट कर उनका सामना करते रहे और आज वो एक प्रेरणात्मक व्यक्ति के साथ एक करोड़पति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और एक सफल स्टॉक ब्रोकर भी हैं। क्रिस गार्डनर का जन्म विस्कॉन्सिन के मिल्कोवी में हुआ था। गरीबी और उनके शराबी सौतेले पिता के कारण उनका बचपन बहुत ही मुश्किल भरा था, जो उन्हें और उनकी माँ को शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे। वो अपने असली पिता को कभी नहीं जान पाए, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें पालने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसके कारण उन्हें अपनी माँ के प्रति बहुत अच्छी धारणा थी, यानी वो क्रिस गार्डनर की प्रेरणा थी। उसकी माँ उसे हर बार कहती है, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब क्रिस गार्डनर 16 साल के थे, तब एक दिन वो अपने टीवी पर एक बास्केटबॉल गेम देख रहे थे, जहां दो खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और कमेंटेटर ने उन पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि दोनों खिलाड़ी एक दिन बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। जहां क्रिस गार्डनर ने टिप्पणी करी कि उनमें से एक करोड़पति बनेगा, उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी और उन्होंने कहा कि तुम भी तो बन सकते हो। ये शब्द क्रिस के दिमाग में पूरे जीवन भर अटके रहे और उन्होंने फिर अपने जीवन को उसी इंसान से ढालने का निर्णय उसी बचपन में ले लिया था। युवा जीवन, स्कूल से पास होने के बाद क्रिस गार्डनर अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गए और वहाँ 4 साल तक काम किया। सेवानिवृत्त होने के बाद क्रिस सैन फ्रांसिस्को चले गए, जहाँ उन्होंने डॉक्टर रॉबर्ट चिकित्सा उपकरण बेचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो हर दिन संघर्ष करते थे, क्योंकि उनका ये इक्विपमेंट बड़ी मुश्किलों से बिकता था, जिसको बेचने के लिए वो दिन रात इधर उधर भागते रहते थे। जहाँ पर ना ही उनसे उपकरण बिक रहे थे और ना ही उनके घर अच्छा वेतन आ रहा था, तो उसके बाद उन्होंने एलिस से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपने सहायक की नौकरी दे दी। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें वेतन कम दिया गया और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए क्रिस ने वो नौकरी छोड़ दी। मगर जब वो नौकरी छोड़कर बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को लाल फरारी से उतरते हुए देखा। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो तुरंत उस इंसान के पास पहुंचे और पूछा, आप क्या करते हो जिससे इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। स्टॉक ब्रोकर शब्द क्रिस गार्डनर के लिए नया था, इसीलिए उन्होंने उत्सुकता से उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हो? जहां उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि फिर कभी। क्रिस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस व्यक्ति का नाम, जो कि मिस्टर बॉब ब्रिज था, उसके साथ एक बैठक यानी मीटिंग रखने का फैसला कर लिया। सोचा कि अब स्टॉक ब्रोकिंग की सारी पेचीदगियां सीखकर वो भी अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मगर सफर इतना भी आसान नहीं था दोस्तों। क्रिस ने उस समय स्टॉक ब्रोकिंग पर हर विवरण प्राप्त किया। बॉब ब्रिज स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में एक अच्छी नौकरी करते थे। मिस्टर बॉब ब्रिज ने उनकी रुचि को देखते हुए डीन रिटर रेनॉल्ड्स में क्रिस गार्डनर को इंटर्नशिप के लिए भेजा, मगर वो कहते रहा, किस्मत सिर्फ तब खराब नहीं होती जब कुछ नहीं हो रहा होता, किस्मत तभी खराब होती है जब आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा होता है दोस्तों। इंटरव्यू के ठीक एक दिन पहले क्रिस गार्डनर को पार्किंग टिकटों का भुगतान न करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पूरी रात जेल में बिताने के बाद भी वो इंटरव्यू के लिए ठीक समय पर पहुंच गए, लेकिन उन कपड़ों में थे जो वो गिरफ्तारी के वक्त पहने हुए थे, और गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने अपने घर में पेंट करते हुए गंदी सी जैकेट और सिर्फ एक पैंट पहनी थी। जब वो जेल से निकले तो उनके पास घर जाने का वक्त नहीं था और ना ही कपड़े बदलने का, तो वो इन्हीं गंदे कपड़ों के साथ इंटरव्यू देने चले गए। वो एक सफाई कर्मचारी लग रहे थे, मगर गंदे कपड़ों के बावजूद उन्हें उनके जुनून और उत्साह के आधार पर एक इंटर्नशिप के लिए चुना गया था। उनको काम मिलने के बाद भी कम वेतन के कारण संघर्ष करते थे वो, इसीलिए वो उस वक्त भी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी चिकित्सा उपकरण को बेचते थे। फिर भी वो अपने घर के किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थे, और एक मोड़ ऐसा आया कि उन्हें अपने ऊपर छत और फिर अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाने में से एक विकल्प चुनना था। उन्होंने दूसरा वाला विकल्प चुना और वो रातों रात घर से बेघर हो गए। दिन के समय में वो अपने 8 साल के बेटे को डे केयर में छोड़ देते थे और ईमानदारी से अपनी इंटर्नशिप करते रहते थे, लेकिन रात में वो और उनका बेटा नींद के लिए संघर्ष करते थे। कभी कभी वो अपने बेटे के साथ सार्वजनिक शौचालय, चर्च, पार्कों में सोते थे। संघर्ष और भी बदतर हो गया था जब उनके पास अपने बेटे को खिलाने के लिए भी अब पैसे नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें अपना खून बेचकर गुजारा करना पड़ा।
उन संघर्ष के दिनों में उनके पास केवल इतना ही पैसा था कि वो खाने के लिए एक वक्त का खाना और सोने के लिए कमरा किराए पर ले सकते थे। मगर जैसा कहते हैं कि कठिन समय आपको नीचे ले जा सकता है, लेकिन वो समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हर दिन संघर्ष करने के अलावा क्रिस कल की तुलना में हर बार बेहतर काम कर रहे थे। ऑफिस पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति होते थे और सबसे आखिर में निकलते थे। जो लोग सेल्स जॉब करते थे उनके लिए दिन के 100 कॉल्स बहुत होते थे, लेकिन क्रिस का लक्ष्य 200 कॉल्स का होता था। वे काम के प्रति बेहद जुनूनी थे, जिस वजह से उन्हें संघर्ष समाप्त हो गया था जब उन्होंने अच्छे वेतन वाले फुल टाइम कर्मचारियों को प्रमोटेड किया। TWR के सबसे अच्छे कर्मचारी चुने गए और उनका उस नौकरी ने हमारे संघर्ष करते हुए हीरो को 34 वर्ष की आयु में करोड़पति बनने में मदद की। उन्होंने 1987 में गार्डनर रिच एंड कंपनी के नाम से अपनी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू की और क्रिस ने अपने काम के उसी जुनून को खुद के बिजनेस में लगाया और सफल हुए। आज वो एक मल्टी मिलियनेयर है। जो फरारी क्रिस को पसंद आई थी वही उन्होंने खरीद ली थी। अब उनकी कुल संपत्ति $60 मिलियन है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उन्होंने 7 किताबें लिखी हैं। उनकी एक पुस्तक जो साथ में सबसे अच्छी पुस्तक है वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अभिनेता विल स्मिथ ने उनकी पुस्तक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पर एक फिल्म की है जिसमें वो क्रिस गार्डनर के रूप में दिखाए गए हैं और विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ ने क्रिस गार्डनर के बेटे की भूमिका निभाई है और IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 8 रेटिंग्स दी गई हैं। क्रिस गार्डनर की प्रेरणादायक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है, फिर भी वो डटे रहे, कभी हार नहीं मानी। हर पल संघर्ष करते थे, फिर भी उन्होंने जोखिम लिए और सफल भी हुए। कभी किसी को ये ना कहने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन एक खेल है और हम इस खेल के खिलाड़ी हैं। जीतने के लिए हमें दौड़ते रहना होगा, रुको पर छोड़ो नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी संघर्ष है तो मुबारक हो, आप जल्दी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं और जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हैं। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे एक बार लाइक जरूर करिएगा। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।